अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार गाजर का केक। गाजर का केक बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत है उनमें मैदा तकरीबन 250 ग्राम जो कि एक पाव के करीब है, एक अदद गाजर जिसको मैंने बारीक क्रश कर लिया है, 200 ग्राम पाउडर चीनी तकरीबन 15 टेबल स्पून ये बनते हैं, 4 अंडे इनको हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, उसके अलावा तकरीबन 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून ऑरेंज का जूस, 1/2 टीस्पून नमक और तकरीबन 3/4 कप ऑयल। जी तो व्यूअर्स, अब हमने एक बाउल में तमाम खुश्क अज्जा को मिलाकर मिक्स कर लेना है। इसमें हम तकरीबन 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला रहे हैं, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून नमक, इनको डाल के हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, अब हमने एक बाउल में अंडों को ले लेना है। ये 4 अंडे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिए। अब हम इसमें चीनी मिक्स कर लेंगे और इसको फेंटेंगे। इसको इतना फेंटना है कि इसका कलर लाइट येलो हो जाए और ये अच्छी तरह चीनी इसमें मिक्स हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर लाइट येलो हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑरेंज जूस डालेंगे और फिर इसको भिगोएंगे। इसमें वेजिटेबल ऑयल तकरीबन 3/4 कप है, ये इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसको अच्छी तरीके से मज़ीद हिलाना है तकरीबन 10 मिनट तक। तो 10 मिनट के बाद अब हमने इसमें जो हमने ड्राई अपना मैदे वाला मिक्सर था वो हमने मिक्स करना है। फिर इसको फिर मुसलसल मिलाना है और ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। ये देखें हम, इसकी ये कंसिस्टेंसी हम लोगों को चाहिए। अब हम इसमें क्रश्ड की हुई गाजर मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। देखिए, अब हम इसको दो तरीकों से बना सकते हैं। हम इसको ओवन में भी बना सकते हैं और हम इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं। एक बड़ा पतीला रख के और उसमें एक बेकिंग बाउल रख कर तो हम लोग उसको हल्की आंच पे 1/2 घंटे के लिए ढक्कन देकर रख सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली केक बन जाएगा। तो ये अब हमने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, इसको हमने अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना ऑयल के साथ।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमने इसमें में केक वाले मिक्सचर को डाल दिए और हम इसमें गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। इसको फिर एक दफा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको ओवन में रख देंगे। मैंने ओवन को प्री हीट पहले किया है तकरीबन 20 मिनट और तकरीबन एक घंटे के लिए हम उसको टाइमर लगा देंगे और टॉप टू बॉटम हीट मैंने रखा है। केक हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कितना सॉफ्ट है।